नमस्कार दोस्तों, तो आ चुके हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ और आज हम जानेंगे डी स्केलिंग के बारे में। देखेंगे कि एक एचवीसी सिस्टम में डी स्केलिंग का वर्क क्या होता है और इसको किस तरीके से किया जाता है। तो आपके स्क्रीन पे एक डेफिनेशन आ रही है डी स्केलिंग की, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। आगे चल के मैं इसको वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो उसके मेनली 3 स्टेप्स हैं, सर्कुलेशन, ड्रॉडिंग और वाटर फ्लशिंग। तो चलिए इनको देख लेते हैं। ये आपके सामने जो है वो है वाटर कूल्ड स्क्रू चिलर। ज़्यादातर जो डी स्केलिंग है वो ऐसी जगहों के लिए होती है जहाँ पर पानी का सर्कुलेशन बार बार होता है, जैसे कि कंडेंसर। आपके सामने जो कंडेंसर है वो है सैलन ट्यूब टाइप कंडेंसर, जिसकी एक साइड वाटर इनलेट है, दूसरे साइड वाटर आउटलेट है। ये अंदर का जो पोर्शन है कंडेंसर का, जहाँ पर आपको कॉपर ट्यूब्स दिख रही हैं, छोटे छोटे छेद दिख रहे हैं, जो ये कॉपर ट्यूब्स हैं जहाँ से पानी का सर्कुलेशन बार बार होता है। पानी में ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं या इतने ज़्यादा मिनरल्स होते हैं कि वो जब इस कॉपर ट्यूब से गुजरते हैं तो वो इसकी सरफेस पे जो वाटर के मिनरल्स हैं वो चिपक जाते हैं, और वो चिपकने के बाद अंदर की तरफ से एक इतनी मोटी परत बना देते हैं कि जो हीट ट्रांसफ़र की एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिससे कि हमारा डिस्चार्ज बढ़ता जाता है। डी स्केलिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका दूसरा पोर्शन भी दिखा देता हूँ कि अगर हम डी स्केलिंग नहीं करते हैं तो हमारा सिस्टम का क्या हाल होता है। तो आप सामने ये कंडेंसर देख पा रहे हैं जिसके ऊपर की ट्यूब्स बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी हैं। इसमें लाइमस्टोन इतना जम चुका है कि अब ना तो इसमें से पानी ट्रांसफ़र हो सकता है ना ही हीट ट्रांसफ़र हो सकती है। तो इसी कारण हमें 6 महीने या 1 साल में डिस्केलिंग करना ज़रूरी होती है अपनी सिस्टम की। तो सर्कुलेशन के लिए हमने जो कंडेंसर का इनलेट और आउटलेट का वाल्व है, जो पानी का इनलेट और आउटलेट का वाल्व है, बंद कर दिया है, जिससे कि दूसरे सिस्टम में केमिकल का पानी ना जा सके। तो इसके लिए हमने एक बाहर से एक छोटा सिस्टम लगा रखा है, जिसमें हमने एक वाटर पंप है, जिससे कि वाटर पंप पानी को केमिकल को इंक्रीज़ करके कंडेंसर में भेज सके, और ये वाटर टैंक है जिसमें हम केमिकल और वाटर मिक्स कर सकें। इस वाटर टैंक का कनेक्शन हमने एक पंप में दे रखा है, जिससे कि पंप में पानी केमिकल जा रहा है और वो केमिकल पंप इंक्रीज़ करके उसका जो प्रेशर है उसको इंक्रीज़ करके कंडेंसर में भेज रहा है। पंप जितना वाटर प्रेशर इंक्रीज़ कर देगा उतनी जल्दी हमारा स्केल कटेगा। और ये इनलेट है, तो इसको हम एक बार डायग्राम में भी देख सकते हैं। देखिए, आप पंप है, पंप से पानी जा रहा है कंडेंसर में, कंडेंसर वापस केमिकल टैंक में पानी आ रहा है। तो ये एक छोटा सा डायग्राम था। अगर इस ऐसे आपको डायग्राम देखने हैं या आपको डाउनलोड करने हैं तो आप मेरे टेलीग्राम के चैनल में जा सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये है वो केमिकल टैंक जिससे कि हम डिस्केलिंग करेंगे। तो उससे पहले आपको जब अब ये डिस्केलिंग का काम करें तो पहले आपको सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। आपको अपने ग्लव्स, आपके शूज़, आपके जो गॉगल्स हैं उनको पहन के ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एसिड की मात्रा होती है और ये अपने स्किन को डैमेज पहुँचाता है। सर्कुलेशन में जो दूसरा पॉइंट है वो मेन पॉइंट ये है कि आपको केमिकल कितना यूज़ करना है, केमिकल की क्वांटिटी कितनी होगी। वैसे तो केमिकल डिपेंड करता है आपके स्केल पे या आपके कंडेंसर के साइज़ पे, बट आप फिर भी चेक कर सकते हैं। अगर आपने टैंक बना रखा है अलग से जिसमें आप पानी और केमिकल दोनों डाल रहे हैं, तो आप उसमें से थोड़ा सा केमिकल बाहर निकाल के किसी साफ़ सर्विस पर गिरा के देख सकते हैं, जिससे कि आपको पता चल सके कि केमिकल या रेशियो में जो वाटर और केमिकल का रेशियो है उसमें केमिकल की हार्डनेस कितनी है। और ये चीज़ आप बार बार कर सकते हैं जब तक आपका सर्कुलेशन चलेगा। अगर आपका झाग ज़्यादा बन रहा है तो इसका मतलब आपका स्केल बहुत ज़्यादा है आपके कंडेंसर में। तो बार बार आप इसको देख सकते हैं और थोड़ी देर बाद आप पानी चेंज कर सकते हैं, नया केमिकल डाल सकते हैं। अगर आपका केमिकल ज़्यादा गंदा हो चुका है, केमिकल और वाटर का रेशियो बार बार बदल सकते हैं। और ये सर्कुलेशन तब तक कीजिएगा जब तक ये झाग बनना बंद ना हो जाए। सर्कुलेशन का जो टाइम है वो डिपेंड करता है आपके स्केल पे कि आपका स्केल कितना ज़्यादा या कितना कम है। सर्कुलेशन जितना ज़्यादा रहेगा उससे आपका क्या होगा, स्केल जो है आपका जो कॉपर ट्यूब के साथ मजबूती से पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है, वो कम हो जाएगा, उसमें ढीलापन आ जाएगा। अगर आप बाद में जब रॉडिंग करेंगे तो वो आपको आसानी होगी रॉडिंग करते वक्त। तो हमने इसके दोनों साइड के जो कवर हैं वो खोल दिए हैं, ये बैक साइड का कवर है, मैंने दोनों साइड का कवर खोल दिए हैं। और उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा जो सर्कुलेशन है वो सही से हुआ है या नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो आप दोबारा कर सकते हैं। तो आप देख लेते हैं इसका दूसरा स्टेप, रॉडिंग। तो आपके सामने जो ये ब्रश दिख रहा है ये मेन पार्ट है हमारा रॉडिंग का। हमने एक स्टील की रॉड ली है जिसके आगे हमने ब्रश लगा रखा है और यही ब्रश से हम रॉडिंग करेंगे। ये ब्रश जाएगा हमारे कंडेंसर ट्यूब के अंदर, और इस ब्रश को हम जब अंदर डालेंगे तो जितना भी स्केल अगर जो चिपका हुआ है अंदर की सरफेस से, क्योंकि हम अंदर तो देख नहीं सकते, तो ये रॉड अंदर जाके उस स्केल को हटाएगी और ये इसका एंड पॉइंट है जिससे हम इसको घुमाएंगे। तो ये है हमारी रॉड जिससे हम करेंगे रॉडिंग। तो इस तरीके से हम रॉडिंग करते हैं।
इसका अंदर का जो आगे का सरफेस है वह ब्रश लगा रहता है, पीछे के सरफेस से इसमें पकड़ने का है जिससे हम इसको घुमाते हैं, और आगे के सरफेस को हम डालते हैं कंडेंसर के ट्यूब के अंदर, और एक एक जितनी सारी ट्यूबें होती हैं उनमें सब में डाल के देखते हैं कहीं कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जो लाइम स्टोन है या जो स्केल है वो बीचों बीच बना होता है, ना एंड के पोर्शन में ना स्टार्ट के पोर्शन में, वो बीचों बीच होता है जिससे कि बीच में ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती है जिससे कि पानी आर पार नहीं जा पाता है। तो हमें एक एक करके सारी ट्यूब में डालना होता है इस रॉड को, और इससे पता चल जाता है कि हमारी ट्यूब ब्लॉक्स हैं या नहीं है। तो रॉडिंग के बाद जो तीसरा स्टेप आता है वो है वाटर फ्लशिंग का। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी आपको स्टेप दिखाए गए हैं ये एक के बाद एक होने ज़रूरी हैं और नेसेसरी भी हैं। तो इसके लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है, और हम इसके लिए हम सिस्टम का पानी यूज़ कर सकते हैं। हम इसके वाटर का इनलेट और कंडेंसर का जो वाटर का इनलेट और आउटलेट का वाल्व होता है उसको खोल देते हैं जिससे कि जो पानी है वो कंडेंसर से बाहर निकल जाए, और इसका एक एंड कवर हम खोल के रखते हैं और जिससे कि फ्लशिंग हो जाए, जितना भी स्केल हमने अभी इसमें साफ़ किया है वो बाहर निकल जाए और साफ़ पानी इसमें दोबारा हम भर सकें। तो ये है इसकी फ्लशिंग का। अगर आपका जो वाल्व है वो होल्ड नहीं होता है तो आप बाहर से पानी ले सकते हैं, एक एक ट्यूब में आप पानी मार सकते हैं जिससे कि जो ठहरा हुआ जो स्केल है वो सब बाहर निकल जाए। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें से जो गंदगी निकल रही है वो सब निकालनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब फ्लशिंग की प्रोसेस पूरी हो जाती है तो हम इसको बंद करके इसमें पानी भर देते हैं। पानी भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो मॉइस्चर आ जाएगा बाद में। तो ये था डी स्केलिंग के ऊपर एक छोटा सा वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है या आपके पास कोई टॉपिक है जिसके बारे में आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाए। हाँ, डायग्राम के लिए आप मेरे टेलीग्राम वाले चैनल पर ज़रूर जा सकते हैं।